हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेश अवर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि आपका जो अभी एफसीआई की नोटिफिकेशन आई है फॉर AG3, है ना। यहाँ पे कई सारे बच्चों का मैसेज आया था कि ये AG3 में सर जनरल और डिपो में जो वर्क प्रोफाइल होता है इसमें क्या डिफरेंस है, जनरल वाले में क्या सैलरी होती है या फिर आपका डिपो वाले में बेसिकली वर्क प्रोफाइल में क्या अंतर होता है इन दोनों में। देखो, दोनों की जो सैलरी है वो आपका जो बेसिक सैलरी होती है यानी कि जो आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी वो तो सेम होती है, लेकिन कई बार जो डिपो होता है ना इसमें ओवर टाइम करना पड़ जाता है तो इसमें ओवर टाइम का अलाउंस मिलता है तो डिपो की सैलरी ज़्यादा पड़ जाती है। बट अगर कंफर्ट चाहिए तो वो आपका जनरल में रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको पूरा क्या है ये इसमें आपका एक तरीके से क्या काम होता है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है उसकी बात करते हैं। ये आप देखोगे तो ये FCI की तरफ से ही जो जॉब डिस्क्रिप्शन की यहाँ पे एक फाइल प्रोवाइड की गई है उसको ही मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे अलग अलग जो भी आपका कैडर है उसकी यहाँ पे जॉब प्रोफाइल है। हमें देखना है असिस्टेंट ग्रेड 3, क्योंकि जो इसमें आपका जो भी आपका रिक्रूटमेंट होता है वो असिस्टेंट ग्रेड 3 पे ही होता है, या फिर आपका होगा तो फिर ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पे होगा, असिस्टेंट ग्रेड 3 पे होता है, फिर आपका यहाँ पे एक वॉचमैन पे भी होता है। ठीक है, वॉचमैन की वैकेंसी आएगी कुछ टाइम बाद, तो एक वॉचमैन पे भी इसका जो है FCI में नोटिफिकेशन आता है। फिर आपका ये असिस्टेंट मैनेजर का आता है। ठीक है, अभी आपने देखा भी होगा कितनी आई थिंक 4-5 कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट मैनेजर की, तो अगर आप उसमें भी अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। नाउ एक बार मैं अब आपको सीधा लेके चलता हूँ जो अपना असिस्टेंट ग्रेड 3 का है ये वाला। अभी पहले हम बात करेंगे कि जनरल में आपको क्या क्या काम करना होता है, क्या बेसिकली इसका वर्क प्रोफाइल है। ठीक है, तो ये रहा आपका असिस्टेंट ग्रेड 3, और बेसिकली ये जो आपका जनरल है इसे मिनिस्टेरियल भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो पूरा वर्क है वो ऑफिस ऑफिस में बैठ के आपको करना होता है, मिनिस्टेरियल वाला वर्क होता है। कोई भी पोस्ट में अगर आपका मिनिस्टेरियल लिखा है ना, यानी कि उसमें आपको लिखा पढ़ी वाला जो भी काम होता है पूरा का पूरा ऑफिस में बैठ के वो करना होता है। इवन अगर आप पुलिस में भी हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की वैकेंसीज आती हैं उसका मतलब क्या होता है, जो भी आपका लिखा पढ़ी वाला काम है वो उस कांस्टेबल को दिया जाएगा, है ना। फिलहाल बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या काम करना है। ये आपका बैगिनिंग लेवल की क्लैरिकल ग्रेड होती है जिसमें कि आपका जो भी परफॉर्मेंस वगैरह है, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है यानी कि आप जो भी काम करोगे वो असिस्टेंट मैनेजर या उसके ऊपर जो भी ऑफिसर्स होते हैं ना, जो भी आपने हायरार्की में देखे थे उनके अंडर रह के आपको काम करना होता है। क्लियर है, क्या काम होगा भाई आपको यहाँ पे, जो भी आपका एंट्रीज होती है रजिस्टर में वो करना है, मेल्स वगैरह डिस्पैच करने हैं, ड्राफ्टिंग करनी है लेटर्स की, और जो भी कैजुअल लीव किसी ने ली है तो वो मेंटेन करके रखना होता है, बाकी जो आपका इनकमिंग और आउटगोइंग फाइल्स होती है ना तो उनका रिकॉर्ड भी रखते हैं ना कि ये वाली फाइल यहाँ जा रही है ये वहाँ पे जा रही है। इसके अलावा आपका जो भी रूटीन नेचर का वर्क हो गया तो वो भी आपको देखना होता है। और थोड़ा सा एक बार नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका बेसिकली क्या क्या काम होते हैं इनकी इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड कर ही दी है तो एक बार देख लो। बेसिकली ना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी होता है तो वो आपको सारा का सारा देखने का रहता है, जैसे कि आपको इसमें जो भी इनकमिंग डाक आई है, कोई आपका पोस्ट आई है तो उसको देखना, कोई कम्युनिकेशन किसी ने FCI से किया है तो वो क्या करते हैं वहाँ पे FCI में, कोई भी लेटर आया कोई डाक आई तो वो आके सबसे पहले आपके पास आएगी, फिर जिस भी ऑफिसर के लिए है ना तो आपको उनको वहाँ पे उनको उनके लिए वहाँ पे भेजनी होगी। ठीक है, तो रिसीवर जो भी होगा वो आप रहेंगे वहाँ पे। इवन इसमें आपको जो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं ना एम्प्लॉयज के आइडेंटिटी कार्ड करना, जो भी उनकी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है उनकी एंट्रीज करना सर्विस बुक में, उनको अच्छे से मेंटेन करके रखना, किसी ने यहाँ पे दिया होगा, ये रहा आपका ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसमें आपका ये भी है कैजुअल लीव वगैरह, यहाँ पे अगर किसी ने ली हुई है तो उसको मेंटेन करके रखना कि हाँ भाई ये वाला एम्प्लॉय अभी जो है कैजुअल लीव पे है ऊपर से लेके नीचे तक का। ठीक है, ऑफिसर ग्रेड से लेकर के नीचे का जो भी आपके पास में बात आएगी वो आपको इसमें देखना रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है क्या बेटा? सेकेंड, और देखोगे यहाँ पे आप तो फिर ये अपना जो भी आपका इनकमिंग आउटगोइंग कोई फाइल है तो वो देखना, इसमें सेम वही कहानी है जो भी आपका टाइप डी मटेरियल है उसको देख के रखना, पोस्टल, अब जैसे कोई भी आपका मेल वगैरह आया है तो वो कंप्लीट है कि नहीं उसको ठीक ठाक तरीके से डिस्पैच करना, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है या फिर आप कोई यहाँ से पोस्ट भेज रहे हो तो उसमें प्रॉपर और कंप्लीट एड्रेस हो, प्रॉपर सिग्नेचर्स हो, इनक्लोजर जो भी है वो प्रॉपर हो, सारी की सारी डिटेल्स अच्छे से होनी चाहिए, पोस्टल रेगुलेशंस को वो फॉलो करे, ये सब देखना। ठीक है, तो पूरा ऑफिशियल वर्क इसमें होता है, और टाइमिंग जिस जॉब की रहती है वो 9 to 5 होती है बेसिकली, या फिर कई कई जगह आपको 10 to 6 देखने को मिलेगी, यही इसकी टाइमिंग होती है प्रॉपर ऑफिस टाइमिंग।
ये कहानी है आपकी जनरल की। फिर देखो इसमें और क्या है, रिसीव मंथली इंडेंट्स फॉर द आइटम ऑफ, जैसे कि ऑफिस में जो भी स्टेशनरी यूज हो रही है अलग अलग सेक्शंस में, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा खाका जो होता है। आपको स्टाफ स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें कितने प्रीवियस मंथ में कितनी चीज़ें आपने स्टेशनरी की अलाउ की थी, स्टेशनरी में क्या आ जाता है आपका पेंसिल पेन पेपर और जो भी आप क्लिप्स लेते हो, ये सारी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, छोटे से बड़ी चीज, और इन बाकी कौन से सेक्शन में कितना डिस्पैच हुआ था, कितने टाइम पहले हुआ था, बाकी सुपीरियर्स का ऑर्डर लेना यहाँ पे, क्योंकि जो ऑर्डर जाएगा स्टेशनरी वगैरह खरीदने के लिए उसमें सुपीरियर का ही ऑर्डर होगा, तो अपनी क्वांटिटी आप जो भी इश्यू करने वाले हो उसमें सुपीरियर का ऑर्डर लेके रखना, ये सब काम भी होता है। फिर आपका जो भी आपके सुपीरियर और कुछ काम दे दें फाइल वर्क से रिलेटेड, तो वो भी आपको यहाँ पे करना होगा। कौन सा प्रोफाइल है ये आपका, ये है आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल का। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक क्लियर है क्या? और स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी बनती है वो अराउंड 45 के आप समझ सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में 40 से लेके 45 के तक बन जाती है, फिर बाकी थोड़ा सा लोकेशन पे भी डिपेंड करता है आप कहाँ पे आपकी लोकेशन है। और देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि जो आपका रिक्रूटमेंट होता है वो 90% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और बाकी का प्रमोशन होता है 10% का। ठीक है, जो भी वैकेंसीज इनकी खाली होती है, और इसमें ग्रेजुएशन आपकी अकेली मांगी जाती है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 की। फिर आप असिस्टेंट ग्रेड 3 से क्या बनते हो, असिस्टेंट ग्रेड 2 बनते हो। जैसे कि आप देखोगे ना यहाँ पे ऊपर जो आपका इसके ऊपर वाला है वो है असिस्टेंट ग्रेड 2, तो ये आप अगले वाले जैसे ही पे लेवल पे जाते हो ये आ जाता है असिस्टेंट ग्रेड 2। अब देखो ये क्या है आपका असिस्टेंट ग्रेड 2, आपका बेसिकली जो असिस्टेंट ग्रेड 3 है वो क्या देख रहा था, नीचे नीचे काम देख रहा था ना, जो भी बेसिकली छोटे छोटे काम होते हैं वो देखता है AG3। फिर AG2 जो मिनिस्टेरियल होता है ये थोड़े से अपर लेवल के काम देखता है उसी लेवल में, जैसे कि लेजर्स आपके देखना या फिर आपका रूटीन केसेस वगैरह हैंडल करना, क्लैरिकल काम इसका भी होता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा अपर लेवल के काम देख लेता है। और जो कि आपका AG1 से लेके आपका जो AG3 है ना, इन तीनों का जो वर्क प्रोफाइल है वो क्लैरिकल ही होता है, बट जो वर्क की सीरियसनेस है ना उसके अकॉर्डिंग बांटा जाता है। थोड़ा सा कम छोटा काम है तो वो AG3 को दे दिया, थोड़ा सा ऊपर लेवल का काम है सेम चीज में तो वो AG2 को दे दिया जाता है, या कभी कभी आपका कुछ वर्क यहाँ डिवाइड कर दिया AG2 और AG3 में। ठीक है, तो ये कहानी होती है। बाकी आपका प्रमोशन का ये रहता है, AG3 से AG2 बनोगे, फिर AG1 बनोगे, फिर आप मैनेजर लेवल पे जाते हो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई जनरल वाली, सब कुछ क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ। अब हम चलेंगे यहाँ पे जो AG3 आपका डिपो वाली वैकेंसी है, इसमें आपका क्या वर्क प्रोफाइल रहता है। तो अब एक बात समझना, बेसिकली ये जो आपका डिपो वाला आ जाता है ना AG3 डिपो, देखो जो आपका AG3 डिपो आ जाता है इसमें बेसिकली क्या होगा, यही जो असिस्टेंट का आपका काम था आप जो जनरल कर रहे थे ऑफिस में बैठ के, अब आपको वो कहाँ पे करना है, जो गोडाउन होते हैं। डिपो का मतलब क्या है, जो भी FCI का जो भी खरीद फरोख्त तो होती है बेसिकली वो होती तो गोडाउन में ही है, इसलिए आपको वैकेंसी ज्यादा दिखेगी किसमें, डिपो में, क्योंकि काम तो इसका डिपो वाले ही होता है। अब क्या होता है डिपो में, अब जो इसकी जॉब होती है, अब जैसे आपने देखा ऑफिशियल वर्क जो है वो इसका 9 to 5 या 10 to 6 में खत्म हो जाता है, तो डिपो वाला जो काम होता है वैसे ऑफिशियल टाइमिंग तो इसकी वही रहती है 9 to 5, या फिर आपका आगे कभी कभी क्या होता है ना ये एक दो लोगों को शिफ्ट वाइज भी लगा देते हैं, लेकिन जैसे कि तीन दो तीन या जितना बड़ा आपका गोडाउन की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग इसमें लोग रहते हैं। बट कई बार क्या होता है सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको कभी रात में भी जाना पड़ेगा, कभी थोड़ा सा टाइमिंग आपका 9 to 5 की जगह 9 to 8 भी पड़ गई, कुछ काम आ रहा है, कोई यहाँ पे आपका असाइनमेंट आ रहा है, कोई खरीद रहे हैं कोई चीज़ या फिर कोई बेचने लग रहे हैं उसमें टाइम लग गया, तो इसमें क्या होता है वो आपको फिर 3 घंटे का क्या देंगे, अलाउंस वगैरह देंगे आप जो भी ओवर टाइम करोगे यहाँ पे, इसलिए इसकी सैलरी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बाकी काम वही होता है कि यहाँ पे आपके जो भी असिस्टेंट, अब क्या होता है असिस्टेंट मैनेजर जो कैडर होती है ना ये भी डिपो में रहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर ने जो भी चीज़ें बोली हैं जो भी कंसाइनमेंट आ रहा है उसके बारे में सारी चीज़ें देखना। अब देखो स्टेशनरी वगैरह तो ज़्यादा वहाँ पे होता नहीं है क्योंकि ये तो ऑफिशियल काम था यहाँ पे डाक डाक वगैरह का, तो जो AG3 डिपो होता है उसमें ये वाला काम थोड़ा कम ही रहता है, तो वो सब निपटाने के बाद इनको जो भी वहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं बेसिकली आप खरीद रहे हो फरोख्त कर रहे हो, तो उन सब का यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है, वो आपका ये काम हो जाता है किसमें, AG3 डिपो में। वैसे दोनों ही ठीक है दोनों जॉब में, लेकिन अगर आप दोनों का कंपैरिजन करोगे
हल्का सा आपको प्रेशर ज्यादा मिलेगा डिपो में, बाकी इसकी थोड़ी कट ऑफ वगैरह कम चली जाती है और इसमें वैकेंसी थोड़ी ज्यादा रहती है, ये कहानी अलग बात है। लेकिन आपको आई होप पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं। फिलहाल इस सेशन को यहीं पे मैं एंड करता हूँ, कोई अगर डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मैंने FCI के बारे में, आपका सिलेबस क्या है, कैसे क्या चीजें आपको कवर करनी है, इवन इकोनॉमिक्स की, तो मैंने आपको क्लासेस की लिंक भी प्रोवाइड कर दिए, तो आप जाके वहां से देख लेना। सिलेबस इसका कैसे क्या कवर करना है GK का, वो मैंने एक वीडियो में स्पेशली बता रखा है, जाके चैनल पे सर्च कर लेना या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? तो बस इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। ये क्या हो गया अभी?